स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिंट टॉक इंडिया में। और हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस, और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सुपर सेंस ऑफ स्मेल ऑफ एंट्स, डॉग्स एंड मस्कीटोस। चलिए आगे चलते हैं। सुपर सेंस ऑफ साइट, देखने की सुपर सेंस वाली शक्ति। तो कुछ कुछ चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं जैसे वल्चर, ईगल, काइट, ये आसमान में उड़ते हुए ज़मीन में पड़ी हुई छोटी से छोटी खाने की चीज़ को भी बड़ी ही आसानी से देख लेते हैं, जो कि हमें भी कभी कभी नज़र नहीं आता। तो इसीलिए इनकी देखने की शक्ति को सुपर सेंस ऑफ साइट बोलते हैं। इफ़ वी कैन सी समथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, दे कैन सी द सेम थिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters। मतलब हम 2 meters की दूरी से अगर कोई चीज़ देख सकते हैं तो पक्षी होती है वो 8 meters की दूरी से उसी सेम चीज़ को देख लेती हैं। तो वल्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। ईगल और काइट। अच्छा, पोजीशन ऑफ आईज ऑन द हेड फॉर सम बर्ड्स पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। आपने क्या कभी किसी पंछी की आँखों को ध्यान से गौर से देखा है? जैसे मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि सम बर्ड्स हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, आँखें एकदम हमारी तरह एकदम सामने होती है। जैसे कि उल्लू, ये देखिए इनकी, इसकी आँख एकदम सामने की तरफ है। तो फिर अलग क्या हुई? सम बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, जिनकी सिर के दोनों तरफ आँखें होती है, लेफ्ट साइड एक आँख और राइट साइड एक आँख। जैसे कि आप देखिए मुर्गी, और एक आँख लेफ्ट साइड है, दूसरी आँख राइट साइड है। सिमिलरली वी कैन सी इन पिजियन, क्रो एंड ईगल, इन सब की आँखें साइड पे हैं और इस उल्लू आउल की आँखें एकदम फ्रंट है। तो आँखों की पोजीशन से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, ज़रूर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि मुर्गी जब चलती है अपने गर्दन को हिलाते हुए चलती है। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, और इसका एक फ़ायदा ये है कि वो सेम टाइम पे दो अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। इफ़ द आई इज़ ऑन द फ्रंट हमारी तरह, तो हम एक समय पे सिर्फ हमारे सामने ही देख सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइट या लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आँखें अपने सिर के साइड्स में हों तो हम लेफ़्ट साइड की आँख से लेफ़्ट साइड देख सकते हैं और राइट साइड की आँख से राइट साइड देख सकते हैं। उनकी आँखें फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड मतलब जैसे हम अपनी आँखों को हिला सकते हैं ना, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, वी कैन मूव आवर आई बॉल्स, सो द बर्ड्स कैन नॉट मूव देयर आईज आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट। तो अगर उन्हें ऊपर नीचे देखना है तो उन्हें अपनी गर्दन ऊपर नीचे करनी पड़ती है। अच्छा, क्या एनिमल्स कलर्स भी देख सकते हैं? तो ये हैं हम ह्यूमन बीन, हमको हर तरीके के कलर दिखते हैं। चिड़िया, उसको भी हर तरीके के कलर्स दिखते हैं। डॉग थोड़े थोड़े कलर्स देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कलर्स नहीं दिखता डॉग को। और ये है रैट, रैट को सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती है। रैट कैन नॉट सी कलर्स। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स रात में जागे हुए रहते हैं उन्हें कलर्स नहीं दिखता। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। जो दिन में जागे हुए रहते हैं उन्हें कुछ कुछ कलर्स दिखता है, लेकिन दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं, दे कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। उल्लू, ये चूहा, रैट, उन्हें कोई भी कलर्स नहीं दिखता, ज़्यादातर वो ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें देखते हैं। तो चलिए हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके पास सुपर सेंस ऑफ साइट है। टाइगर भी, क्योंकि टाइगर भी अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है और फिर अटैक करता है। उसके बाद चूहा, चूहा भी रात के अंधेरे में घूमता है, उसे अंधेरे में बहुत ही आसानी से दिखता है जो कि हमें नहीं दिखता। तो उसके बाद है लायन, लायन भी रात में ही शिकार करता है। उसके बाद ईगल, इसको 8 meters की दूरी से कोई चीज़ बड़ी ही आसानी से दिख जाती है जो कि हमें सिर्फ 2 meters की दूरी से दिखती है। उसी तरह वल्चर एंड काइट। नेक्स्ट इज सुपर सेंस ऑफ
हियरिंग, सुनने की सुपर सेंस। अब इनमें कौन कौन से एनिमल हैं? एक है एलिफेंट, इसको हल्की सी आवाज़ भी बड़ी ही आसानी से सुनाई देती है। उसी तरह टाइगर, इसे भी अपने शिकार की हल्की सी आहट भी बहुत ही आसानी से सुनाई देती है। उसी तरह डॉग और लंगूर, ये सब एनिमल्स ऐसे हैं जो हल्की सी आवाज़ भी बहुत आसानी से सुन लेते हैं। और इनकी सुनने की ये शक्ति इन्हें किस चीज़ में मदद करती है? लंगूर को तो आते हुए खतरे की आवाज़ भी बहुत दूर से सुनाई दे जाती है, और इसीलिए वो अपने दोस्तों को वार्निंग भी दे सकते हैं। दे कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। इन सारे एनिमल्स को हल्की सी आवाज़ भी बड़ी ही आसानी से सुनाई देती है। दे हैव सुपर सेंस ऑफ हियरिंग विच हेल्प्स देम टू फाइंड देयर प्रे। इन एनिमल्स को उनका शिकार या खाना ढूंढने में बड़ी ही आसानी से मदद हो जाती है, और टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपनी रक्षा भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिनके कान हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैट, डॉग, रैट, काउ, गोट, जिराफ, एलिफेंट, रैबिट, लायन, या फिर आप अपने मनपसंद एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। और सेकंड है, नेम ऑफ एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन अस, जिन एनिमल्स के कान हमसे बड़े हैं। तो ऐसे वो कौन कौन से हुए? ऐसे है एलिफेंट, काउ, रैबिट, बफेलो, डॉग। तो देखते हैं कि लंगूर को उसकी सुनने की क्षमता क्या मदद करती है। ए लंगूर वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। आपने देखा होगा लंगूर पेड़ों की चोटी पर बैठे हुए रहते हैं और उन्हें दूर दूर तक की आवाज़ें बड़ी ही आसानी से सुनाई देती हैं। तो अगर दूर से कोई टाइगर या लेपर्ड आ रहा है तो इनको वो सुनाई दे जाता है और ये अपने दोस्तों को वार्निंग दे सकते हैं। तो उसके बाद है फिश, मछलियाँ। फिश गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिश को भी अगर खतरे का एहसास होता है तो वो पानी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ के अपने दोस्तों को आगाह करती है, क्योंकि एनिमल्स के पास बोलने की शक्ति तो होती नहीं हमारी तरह। तो अपने आप को खतरों से बचाने के लिए वो किसी तरीके का सिग्नल प्रयोग करती है। सम एनिमल्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन अ स्टॉर्म और एन अर्थक्वेक इज अबाउट टू कम। अर्थक्वेक तो आपको पता होगा, जब धरती हिलती है, भूकंप आता है, कितने सारे बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। हमें ऐसी आने वाली खतरों का एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से ही पता चल जाता है। ये देखिए चिड़िया कैसे उड़ रही है। ज़्यादातर जब कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है तो चिड़िया बहुत ही डिफरेंट बिहेव करती है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वॉर्न अगेंस्ट डेंजर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुपर सेंस ऑफ टच, महसूस करने की सुपर शक्ति को। उसके लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए। आप एक डेस्क पे बैठिए, अपने कान को डेस्क के ऊपर रखिए और अपने हाथ से उस टेबल को बजाइए, थोड़ा टैप टैप। सुनिए तो आपको कैसा सुनाई देता है। अच्छा, अब सर सीधा कर लीजिए और फिर से डेस्क को टैप टैप करने की कोशिश कीजिए। आपको दोनों आवाज़ में फ़र्क नज़र आया होगा ना? जब आपने अपना कान डेस्क पे रखा होगा तो आपको आवाज़ के साथ कुछ तरंगे भी महसूस हुई होगी, थोड़ा वाइब्रेशन महसूस हुआ होगा। वाइब्रेशन मतलब जैसे बेंच हिल रही हो, डेस्क हिल रहा हो, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं जब कोई चीज़ हिलती है। तो उसी तरह कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, और उन्हें ज़मीन में हिलती हुई तरंगे भी बहुत आसानी से महसूस हो जाती है, जैसे कि है स्नेक। That is why we can say that the snake has super sense of touch. Snakes do not have external ears which we can see. सांप के पास ऐसे कान तो नहीं है जो कि हम देख सकते हैं, लेकिन they can feel the vibrations on the ground. उन्हें ज़मीन पर जो तरंगे होती हैं उन्हें महसूस हो जाती हैं। उसी तरह डॉल्फिन, डॉल्फिन्स produce a certain type of sound which bounces off after touching an object underwater.
तो डॉल्फिन जब पानी में तैरती हुई आगे जाती है तो उसको कैसे पता चलता है कि पानी में उसके सामने कोई और एनिमल तो नहीं आने वाला। डॉल्फिन एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करती है जिसे हम कहते हैं इकोलोकेशन, इकोलोकेशन। और वो क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। डॉल्फिन्स प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप ऑफ साउंड विच बाउंसेस ऑफ आफ्टर टचिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। पानी के नीचे डॉल्फिन जब जाती है तो एक स्पेशल तरीके का साउंड बनाती हुई जाती है और वो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो साउंड सामने की पड़ी हुई चीज़ों को छू कर वापस आ जाती है। इट बाउंसेस ऑफ, और वही वापस आई हुई आवाज़ डॉल्फिन को आराम से महसूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इट्स स्किन। जैसे कि आपने देखा सांप अपने स्किन में महसूस कर सकता है कि अरे ज़मीन में कोई और चल रहा है, वैसे ही ये डॉल्फिन भी आवाज़ों को अपने स्किन के ज़रिए महसूस कर सकती है, वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। आप कोई हिल स्टेशन में अगर गए हैं तो अक्सर हमें पहाड़ों में निकाली हुई आवाज़ को हमारी ही आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है, जिसे हम इको बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही ये डॉल्फिन जो साउंड प्रोड्यूस करती है और वही साउंड जब किसी चीज़ से टकराकर वापस आ जाती है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इको लोकेशन। जस्ट लाइक द इको प्रोड्यूस्ड व्हेन यू शाउट आउट एट अ माउंटेन वैली। अच्छा, कुछ क्रीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी सेंसेस बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। आपने तो लिजर्ड देखे ही होंगे। यूजुअली हमारे घर पे छिपकली हमेशा नज़र आती है, लेकिन जब भी विंटर आने वाला हो, सर्दियों का मौसम आने वाला हो, अचानक सारी लिजर्ड्स गायब हो जाती है। अगर आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया तो आने वाले सर्दियों के मौसम में आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए कि विंटर सीज़न में ये लिजर्ड्स कहाँ चली जाती है। Have you noticed that during cold seasons you cannot see any lizard in the house? आप घर में छिपकलियों को नहीं देख सकते। Where do you think they have gone? तुमको क्या लगता है लिजर्ड कहाँ चली जाती है? लिजर्ड कहीं जाती नहीं, वो घर में ही रहती है, लेकिन कहीं छुपी हुई रहती है, वो सोई हुई रहती है, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, दिस इज़ हाई BER, हाइबरनेशन। इट इज़ अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी व्हेन सम क्रीचर गो इनटू डीप स्लीप ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स। इसीलिए हम इनकी सेंसेस को सेंसिटिव कहते हैं। इन्हीं तरह के कुछ जानवर जो सर्दी को नहीं झेल सकते होते तो वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, और इसी स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन। और जब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो वापस जाग जाती है और फिर से एक्टिव हो जाती है। यही स्पेशलिटी है छिपकली, भालू और कई तरीके के जानवरों की, जो इन्हें सर्दियों के कड़ाके की सर्दियों से बचाती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट टू ख़त्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया सुपर सेंस ऑफ साइट ऑफ ईगल, वल्चर, आउल, टाइगर, जो कि रात के अंधेरे में भी आराम से देख सकते हैं और वो भी बहुत ही दूर से देख सकते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सुपर सेंस ऑफ हियरिंग ऑफ एलिफेंट, टाइगर, लंगूर एक्सेट्रा, जो हल्की से हल्की आवाज़ भी एकदम क्लियरली आराम से सुन सकते हैं। वर्कशीट मैंने अटैच किया है पार्ट थ्री के एंडिंग में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे पार्ट थ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।